तो आगे क्या हुआ संजय सर, उन्होंने कहा मेरा, जैसे मैं 12th क्लास मैंने कॉमर्स से की है सर, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन दागा अच्छा कि बेटा आप कॉमर्स से हो तो अंतर बताओ चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। आप ये बताओ, जैसे हम अपने घर में होते हैं ना बहुत सी बार, तो हमारे बच्चे शैतानी करते हैं, और शैतानी करते समय क्या होता है बहुत सी बार कि हम उनको चाटा लगा देते हैं कि नहीं मानता है बहुत सी बार। तो क्या आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसे शैतानी कर रहा है तो क्या आप उसको लगाओगे? तो देखो, आपको फंसाने की कोशिश कोशिश करेंगे, करेंगे ऐसे। आपको फंसना नहीं है। तो मैं एक प्राइमरी टीचर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल हो, टीचिंग कोई भी स्किल हो, वो सब मेरे अंदर है सर। आप उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं। लीजिए। प्राइमरी का मेन क्या होता है कि प्राइमरी में आप जो भी काम कर रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए। लोग ये भी पूछते हैं कि जब बायोडाटा में जो लिखता है ना, योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट वाला जो हाँ पोर्शन होता है, उसमें हम क्या लिखें हमें बता दो। मत पूछो किसी से, आप खुद सोचो कि मैं क्यों सुटेबल हूँ। मान ले कि वादियाँ हैं और दुनिया के सबसे नवीन पर्वत हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता प्रदूषण नाम की चीज़ है भी कि नहीं है। नहीं है सर, यहाँ कहाँ प्रदूषण है, यहाँ शांति। अगर कोई शोर सुनाई देता है तो पक्षियों का शोर सुनाई देता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई शोर है और नहीं। आवाज आ भी रही होगी सर, चिड़ियाओं की आवाज हाँ, है आ भी रही। सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ है मनोज सर, और मनोज सर को KVS में काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो सर, KVS के जो अनुभव हैं और इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं मनोज सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा साक्षात्कार का अपना अनुभव रहा है उसके बारे में, ताकि आप लोगों को अपना इंटरव्यू देते समय एक जो डर होता है, भय होता है, वो आप फील ना करो कि भाई एक हवा रहता है ना दिमाग में कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो शायद आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। मैं बताता हूँ आपको, मेरा जो इंटरव्यू था वो हुआ चंडीगढ़ में, और जैसा कि सर ने बताया मेरा नाम मनोज है और मैं अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूँ। काफ़ी लंबा अनुभव भी है मुझे संगठन का। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब के लिए 2 बार अपना इंटरव्यू दिया है, तो 2री बार में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और पहली बार में जो मेरा इंटरव्यू रहा उसमें मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे, शायद मैं उस समय उसके एलिजिबल था भी नहीं जॉब के लिए। लेकिन 2री बार में जो मुझे मार्क्स दिए गए वो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 60 में से 58 थे, और मैं शायद टॉपर्स की लिस्ट में भी रहा हूँ क्योंकि मेरे रिटर्न में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। तो जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई वो मेरी पूरे काम में आई थी उस समय। बताता हूँ कि अनुभव मेरा कैसा रहा, क्या क्या पूछा जाता है। तो संजय सर, जैसे ही मैं इंटरव्यू, आप जानते हो कि भाई जब बाहर बैठे रहते हैं हम लोग तो एक अजीब सा डर तो रहता हाँ, ही है वो तो सर। होता ही है। बाहर तो आने वालों से बात करते हैं जो इंटरव्यू दे के बाहर निकलता है, आपसे क्या हाँ, पूछा है, ऐसे कुछ करते रहते हैं। एक्चुअल में जब मैं बाहर बैठा था तो 3-4 लोग और थे मेरे साथ में सर, और सबके चेहरे एकदम मायूस थे, चिंता से भरे हुए थे कि क्या होगा क्या होगा। कुछ बच्चे अंदर जा रहे हैं और जाते हुए जब वो वापस आ रहे हैं तो कुछ के चेहरे पे मुस्कान, एक अजीब सी मुस्कान थी सर। कुछ बेचारे उदास होकर आ रहे हैं, कुछ खुश होते आ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है हमारी जॉब डिसाइड करने वाला है, आगे आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। तो क्या हुआ, थे मेरा नाम आया कि भाई मनोज, तो मैं खड़ा हुआ एकदम, मैंने लंबी सांस ली, जिसको मैं मानता हूँ ईश्वर कहो, भगवान कहो या मेरे माता पिता कहो, उनका मैंने नाम लिया और मैंने परमिशन मांगी उनसे कि सर मे आई कम इन। तो उन्होंने कहा बेटा आ जाओ अंदर। आया मैंने, जाने से वहाँ चेयर रखी रहती है सर, 5 लोग थे शायद मेरे पैनल में, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं है अभी, शायद 5 ही थे। तो मैंने सबको विश किया वहाँ पर गुड इवनिंग कह के, क्योंकि शाम का समय था मेरा वाला ना। यहाँ मनोज सर, काफ़ी जो लोग हैं ना, हाँ उनका एक डाउट है हाँ कि जब हम जो इंटरव्यू रूम होता है ना, हाँ उसके अंदर एंट्री करेंगे हाँ तो हमारी एंट्री किस टाइप की हो, और सबको हम विश कैसे करें, बोलते हैं हम हिंदी में विश कैसे करें, इंग्लिश में विश कैसे करें। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है कि विश करना। आप गुड, अगर शाम के टाइम पे है तो गुड इवनिंग बोल सकते हो, दोपहर है गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, सुबह का गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, और जैसे आप ऐसे झुक के थोड़ा सा और सभी को एक साथ ही बोल दें, बिल्कुल सबको अलग 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 ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। वो एक फिर अलग अलग है बोलेंगे थोड़ा भद्दा सा लगता है। अच्छा, सभी आप जैसे हिंदी में बोलोगे तो सभी को सुप्रभात, है ना, मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल, तो ऐसे करके बोल सकते वो हैं। तो सर इंडिविजुअल जो पर्सन है उस पर डिपेंड करता है। हम एक कॉमन वर्ड भी ले सकते हैं, जो हम गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग इनके चक्कर में ना भी फंसे तो सर सबको नमस्कार बोल हाँ, सकते हैं, सभी को आप नमस्कार, सभी को नमस्कार, बस ऐसे भी बोला जा सकता है सर।
लेकिन वो बोल विश करना जरूरी है, आप किस तरीके से करते हो वो नहीं, विश करना जरूरी है। आप अपने एटिकेट्स को सर ने बताया, आप जो है वहाँ पर ऐसे झुक के करोगे तो उनको लगेगा भाई बच्चे में जो एटिकेट्स तो हैं, अच्छे एटिकेट्स हैं, वो अच्छी छाप छोड़ देता है एकदम दिमाग में। का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बैंड ही हो गए, ऐसा भी नहीं है, हल्का सा बस। और बाकी हर बंदे के अपने 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 तरीके हैं, तो उसमें कोई सिखा नहीं सकता कि क्या करना है कैसे करना है। तो अब जैसे संजय सर, फिर मैं गया वहाँ पर, मैंने विश किया सभी को, उसके बाद मैं बैठा नहीं चेयर पे, तो उन्होंने कहा यू मे शिट नाउ, तो उसके बाद मैं बैठ गया सर, बिना परमिशन के मैं नहीं बैठा। फिर उन्होंने मेरा बायोडाटा जो था उनके हाथ में उन्होंने देखा, और उन्होंने मुझसे कहा, एक सरदार जी थे, उन्होंने कहा बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो पहला क्वेश्चन सभी से पूछा जाता है सर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ताकि हम जो है उनके साथ थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाएँ, क्योंकि जाते ही वो दाग दें आप पे बड़े क्वेश्चंस, तो आप कंफर्टेबल ही नहीं होगे उनके साथ, तो हम वहाँ कंफर्टेबल हो जाए। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो जैसा मैंने तैयारी कर रखा था बायोडाटा, आप लोग भी शायद तैयार कर रहे होंगे अपना बायोडाटा, तो बायोडाटा को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बायोडाटा से ही आपके क्वेश्चंस रेज होते हैं। आपको ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं करना है जो ओपन हैंडेड क्वेश्चंस आपको दे, तो आपको बिल्कुल तरीके से अपना बायोडाटा बनाना। तो मैंने शुरू किया, एज यू कैन सी फ्रॉम माय बायोडाटा, माय नेम इज़ दिस दिस करके मेरा इंट्रोडक्शन सर काफ़ी अच्छा रहा, तो वो काफ़ी खुश हो गए। अब यहाँ सर एक इंट्रोडक्शन की बात और भी होती है जी, और कैंडिडेट इस बात के बारे में चिंतित रहते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दे, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता इस मामले में। तो इंट्रोडक्शन में जैसे अपना पूरा नाम, गांव का नाम, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो आपके बायोडाटा में ऑलरेडी उनके सामने रखा हुआ है, और वो जानने में ज़्यादा रुचि भी उनकी नहीं है कि आपका, क्योंकि नाम तो देखो इंट्रोडक्शन में बताना ही पड़ेगा जी। बाकी आपके थोड़ा बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता के, मेरे हिसाब से अगर आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ उसमें बताएंगे और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके बारे में बता के, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर याद रखें कैंडिडेट कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लें कि वहाँ की कोई बड़ी हस्ती है, कोई स्वतंत्रता सेनानी है, या वहाँ का कोई क्रिकेटर हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई भी एक ऐसा मतलब नॉन पर्सन हो, या फिर वहाँ की कल्चर नॉन हो, वहाँ का कोई डांस वगैरह है वो नॉन हो, तो उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना तो जरूर उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर संजय सर, मैं आपकी बात को यहाँ पर बढ़ाते हुए कहूँगा कि एक मेरा दोस्त था सर, और वो बल्लभगढ़ से है, तो बल्लभगढ़ का एक राजा था नाहर सिंह करके, वो बड़ा फेमस था, तो वो गया, उसने कहा कि मैं बल्लभगढ़ से हूँ, तो उससे पहले एक क्वेश्चन दागा, आप अपने यहाँ के जो एक फेमस राजा है ना उसका नाम बता दीजिए। अब जैसा आपने कहा ना सिटी से क्वेश्चन रेज होते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। तो बायोडाटा से संबंधित सर, हम देखो नॉर्मली अपना जो नेम होता है, हम किस प्लेस पर रह रहे हैं और किससे हम बिलोंग करते हैं, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। फिर हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड दिखा सकते हैं हल्का सा। उसके बाद आप दिखा सकते हो कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या, इंटरेस्ट क्या, स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, बस यही चीज़ें दिखानी होती है। हाँ, वो इनको ऐड करोगे या नहीं करोगे उससे नहीं है, लेकिन आप कंफर्टेबल हो जाओगे, जितना लंबा आप थोड़ा बोलोगे तो वहाँ कंफर्टेबल हो जाओगे इनके साथ कि भाई आप बोल पा रहे हो, आपकी हेजिटेशन हल्की सी रिमूव हो जाएगी। तो आगे क्या हुआ संजय सर, उन्होंने कहा मेरा, जैसे मैं 12th क्लास मैंने कॉमर्स से की है सर, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन दागा अच्छा। कि बेटा आप कॉमर्स से हो तो अंतर बताओ चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है। अच्छा। अब सर मैंने 2010 में छोड़ दी थी 12th क्लास ना, अब मैंने कहा सर, अब देखो मैं यहाँ पर सच्चाई बताना चाहूँगा, मुझे आता नहीं था क्वेश्चन, मैंने झूठ बोलने की कोशिश की वहाँ, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा चेक ये होता है, हम ऑफिस में जाके बनवाते, बुक में देते हैं, हम ड्राफ्ट को जो है बैंक में जाके कराते हैं। तो उन्होंने कहा अरे नहीं बेटा गलत बता रहे हो उनकी। फिर मैंने अंदर अरे यार पहला ही गलत हो गया। फिर दूसरा उन्होंने फिर दूसरा पूछा साइकोलॉजी का क्वेश्चन मैडम ने एक ने कि बेटा आप ये बताओ, जैसे हम अपने घर में होते हैं ना बहुत सी बार, तो हमारे बच्चे शैतानी करते हैं, और शैतानी करते समय क्या होता है बहुत सी बार कि हम उनको चाटा लगा देते हैं कि नहीं मानता है बहुत सी बार, तो क्या आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसे शैतानी कर रहा है तो क्या आप उसको लगाओगे? तो देखो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको फंसना नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं मैडम मैं मार दूंगा कभी कभी, तो लगा सकता हूँ हल्का सा, क्योंकि ताकि बच्चे शांत हो जाएं, भी मेरी गलती हो गई। अब उसने दूसरा भी क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार ये भी तुम्हारा ऐसे नहीं करना बेटा, मारना नहीं है बच्चों को। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे दोस्त से भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप ऐसे पीटोगे, तो संजय सर उनका क्या शानदार जवाब था, उसके भी 58 का स्कोर था। उसने कहा कि सर एक बार क्या हुआ, मैंने एक बच्ची को पिटाई लगा दी थी, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये, और देखो अब कैसे साधा है उसने क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक जगह गलत हो गया उसने कैसे साधा। उसने कहा यार मैंने गलत, मतलब मुझे, मैंने बच्चे को पिटाई लगा दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम को मैं प्यार से करवा सकता था उसको मैंने क्यों लड़ाई करके करवा लिया, गुस्सा क्यों किया। अब इंटरव्यू हुआ, क्वेश्चन का आंसर सुनकर वो हो गए खुश। अब दो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, यहाँ तक अब मेरा नेगेटिव जा रहा है सर अभी इंटरव्यू।
फिर तीसरा क्वेश्चन रेज होता है, मतलब यहाँ पे एक बड़ी बात है कि आपको अंदर से रियलाइज हो गया कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ तक, तो इसलिए आपने अपने आप को साध लिया बाद में। ये एक बड़ी बात होती है और ये तब होता है जब आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस ना हो, आप फ्री माइंड से बैठे हो, तो क्योंकि तब आप आंसर दे रहे हो तो भी सोच रहे हो कि मेरे आंसर का इम्पैक्ट क्या जा रहा है। हाँ बिल्कुल सर, अगर डर जाओगे तो सोच नहीं पाओगे। एक्चुअल में देखो संजय सर, मैंने जो फील किया वो ये था कि उनके पास तो लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी जब तैयारी अच्छी होती है तो आप उनको ले ही आते हो अपनी तरफ खींच के। अब देखो मैं कैसे ले आया उनको, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन किया, अच्छा बेटा आप कॉमर्स से हो तो ये बताओ। फिर मैंने उनको रोका कि सर आप मुझसे इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछे, मेरा आपसे एक सीधा सा प्रश्न है सर कि मैंने 2010 में छोड़ दिया था इसको कॉमर्स को, अगर आप मुझसे इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर पूछते हो तो मैं उसका आंसर ही नहीं दे पाऊंगा सर। यहाँ मैंने उनको कह दिया, वो देखते रहे मेरी तरफ। अब जो क्वेश्चन मुझे चाहिए था सर वो आया, उन्होंने कहा अच्छा बेटा तो आपको आता क्या है, इसी का तो मैं वेट कर रहा था कि आपको आता क्या है। मैंने कहा सर एक प्राइमरी टीचर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल हो, टीचिंग कोई भी स्किल हो, वो सब मेरे अंदर है सर, आप उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पूरा ही खेल बदल दिया, मतलब यहाँ पे एक बात और है ना, आपने उनको फ्री हैंड छोड़ दिया, ये बोल दिया कि मेरे से कुछ भी पूछो, कॉमर्स को छोड़ो और जो प्राइमरी टीचर में बन रहा हूँ इस रिलेटेड आप मेरे से कुछ भी पूछो। और मेन मुद्दे की बात तो यही थी, क्योंकि आप एक पीआरटी टीचर बनने वाले थे और आपने उसी में बोला मैं यहाँ बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, यहाँ मेरे से कुछ भी पूछो, तो उससे वो इंप्रेस हो गए इस बात से कि हाँ भाई यहाँ कॉन्फिडेंस है, यही तो हमें सेलेक्ट करना है। अब उन्होंने क्या किया संजय सर, उन्होंने कहा बेटा ठीक है आपको मैं दे रहा हूँ 3 मिनट का टाइम, 3 से 4 मिनट, क्योंकि शाम का समय था, 2-3 कैंडिडेट रह गए तो उनको भी जल्दी होगी जाने की, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप कोई भी टॉपिक लो और पढ़ाओ उसको। और मेरी थोड़ी सी राइटिंग जो है ना हल्की सी थोड़ी बेकार है, अब देखो किस्मत काम करती है, अब किस्मत भी कह सकते हैं सर। उन्होंने कहा बेटा बोर्ड का आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, बोर्ड का वो इस्तेमाल आपसे करवाएंगे ही करवाएंगे, इस बार तो 100% करवाएंगे, क्योंकि हाँ। अलग से पोर्शन है डेमो क्लास डेमो का हाँ, तो बोर्ड तो यूज करना ही करना ही करना है, तो उसमें कोई दो राय है नहीं। और दूसरी बात, काफी कैंडिडेट सर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं उस बात को लेकर, मेरे हिसाब से तो वो चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, वो ये पूछते हैं कि जब डेमो होगा बोर्ड के ऊपर तो हमें व्हाइट बोर्ड मिलेगा या चाक बोर्ड मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सर क्वेश्चन बेसलेस क्वेश्चन मानेंगे ना, वो आपके पास चाक से लिखो या मार्कर से लिखो, हाँ, क्या फर्क पड़ता है उसे? हाँ हो सकता है कुछ लोग मार्कर में इतने कंफर्टेबल नहीं हो, राइटिंग 19-20 हो सकती है, उससे कोई ज्यादा वो मैटर नहीं करता है ज्यादा। वैसे ज्यादातर तो संजय सर हमने देखा जैसा केवी में चॉक बोर्ड ही ज्यादा मिलते हैं, वो ग्रीन का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी, मोस्टली ग्रीन बोर्ड मिले। तो बोर्ड का तो कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसा स्कूल हो जिसने अपने किसी एक पर्टिकुलर रूम के अंदर मार्कर बोर्ड लगा के रखा हो और वहाँ किसी कैंडिडेट का आ जाए तो मार्कर से भी हो सकता है, तो इसमें तो चिंता ना करें तो बेहतर है शायद। हम अगर ये सलाह देना चाहिए कि हम मार्कर से प्रैक्टिस करें या चौक से, तो आप क्या सलाह दोगे सर? देखो मोस्टली तो अपने केवी में जाएंगे तो चौक ही यूज होता है, ग्रीन बोर्ड ही यूज करते हैं हम लोग, मार्कर तो रेयरली कहीं यूज करते हैं, तो हमको चौक बोर्ड ही यूज करना चाहिए सर। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने शायद कभी चौक यूज ही नहीं किया, वो मार्कर ही यूज कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली सर मेरा तो ये मानना है कि आप मार्कर यूज करो या चौक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिल्कुल सर। कोई राइटिंग जो है आपकी वो रहेगी कोई उसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब क्या हुआ सर, मैंने एक तैयारी कर रखी थी टॉपिक की, तो मेरा ईवीएस का टॉपिक था कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखो सर अगर आप मैदान में जाते हो ना, जैसे हम लोग अभी आर्मी एरिया में रहते, तो यहाँ पर एक मैं देखता हूँ लाइन बड़ी अच्छी लिखी रहती है कि अगर आप मैदान पर जितना पसीना बहाओगे उतना जो जंग का मैदान होगा वहाँ पर आपका कम खून बहेगा, तो मैंने मैदान पे काफ़ी पसीना बहाया हुआ था, तो मैंने अच्छी तैयारी की हुई थी अपने टॉपिक्स की, मैंने वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ाया। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा, मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ लेकिन जो मैंने पढ़ाया वहाँ पर वो केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाया वहाँ पर, क्योंकि मैंने तैयारी सर उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश कर रखी थी। जब आप पढ़ोगे ना बुक्स को इंग्लिश की तो इंग्लिश अपने आप ही निकलती है सर, अपने आप होएगी, और ऐसा कुछ नहीं है, बाइलिंगुअल भी हमने यूज़ किया उसमें, तो पूरा पढ़ाया कैसे डेमो देना है सारा अच्छे से मेरा हुआ सर डेमो, तो वो बड़ा खुश हो गए मेरे डेमो को देख कर, बोले आओ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर उन्होंने एक दो क्वेश्चंस मुझसे कराए और उन्होंने जो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थे एक दो मुझसे लिखवा कर देखे, पहले मना कर दिया, बाद में उन्होंने राइटिंग चेक करने के लिए लिखवा कर देखे सर कि कैसे लिख रहा है। उस समय याद रखना है कि हमको जैसे नॉर्थ अमेरिका लिखा, साउथ अमेरिका लिखा, तो एन हमको कैपिटल लिखना है, और क्योंकि नेमिंग वर्ड से शुरू है कि तो वो लिखना है, तो मैंने वो सारी चीज़ें की वहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन करे, फिर उन्होंने पूछा बेटा 0.02 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.03 से बिना पेपर के, क्या आंसर होगा? तो शायद मेंटल एबिलिटी चेक करना चाहते, उसका मैंने आंसर दे दिया उनको अच्छे से। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा अब आप जा सकते हो। मुझे लगा यार मेरा अभी कुछ बाकी है सर, अभी इतना अच्छा हुआ नहीं है।
देखो ये मैंने तो हिम्मत की क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था अगर ये मुझे 30 नंबर भी देंगे इंटरव्यू में तो मेरे रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर ऐसा कुछ करते हो तो देखो डिपेंड करता है कमेटी कैसी होगी। मैंने उनसे कहा सर मैंने एक पोएम तैयार की है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो वो भी सुना दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई सुना सकते हो, हमको नहीं सुनाओगे तो किसको सुनाओगे। तो सर यहाँ एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया मेरा, और मैंने बड़ी अच्छी पोएम तैयार की हुई थी, मैंने उसको खूब अच्छे से नाच के उनके सामने बढ़िया फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ और फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ पूरा हंस के गाया एकदम सर, बड़ा झूम के सुनाया मैंने उनको। वो हो गए एकदम खुश, एक दो ने तो ताली भी बजाई सर, बढ़िया खुश हो गए। कहा ठीक है बेटा जाओ, और जब मैं आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी सर, और बाकी के जो बच्चे थे वो भी बड़े खुश तारीफ़ कर रहे थे मेरे कि आपने तो क्या इंटरव्यू दिया है, बड़े खुश हो गए वो। तो वहीं मुझे लग गया सर कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर मेरी दो तीन चीज़ों के ऊपर वो मुझे 58 का स्कोर दे देंगे। हाँ लेकिन एक्चुअली मेन बात मेरे हिसाब से यही रही ना कि आपने मेन पीआरटी का टॉपिक था आपका, हाँ, और पीआरटी में आपने उनको फ्री हैंड कर दिया था सर, यहाँ से मेरे से कुछ भी पूछो। आपके नेगेटिव पॉइंट थे स्टार्टिंग में, कॉमर्स से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वहाँ से आपने गलत आंसर देने की कोशिश की। तो हम कैंडिडेट को यही सलाह देंगे कि अगर नहीं आता है तो साफ साफ मना कर दें, या गलत आंसर तो नहीं देना है, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो पहचान जो तुरंत आपके फेस एक्सप्रेशन देख के बता देंगे कि तू क्या बोल रहा है। तो ऐसा जालमेल नहीं करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। लेकिन जो हमारा जो कंटेंट होता है ना, जैसे स्किल्स सर, मैंने ये देखा कि बच्चों के साथ हमको प्राइमरी के बच्चों के साथ तो घुलना मिलना पड़ता है, तो वो मेरा सही रहा। मैंने टीचिंग स्किल्स दिखाई वो भी अच्छी थी, तो उनको टीचर ही तो चुनना है, और क्या चुनना है उनको, नॉलेज भाई वो रिटर्न में चेक कर ही चुके हैं, टीचिंग स्किल्स देखनी थी वो उन्होंने देख ली सर। अब जैसे सर आपने यहाँ बताया ना कि आपने का 12th आपका कॉमर्स से था, तो कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मेरी एक पीआरटी टीचर से और भी बात हुई थी, उसका जो 12th बेस था वो साइंस बैकग्राउंड से था। अच्छा 12th तक तो पीसीएम से पढ़ा था, उसके बाद उसने स्विच करके ह्यूमैनिटीज़ में चला गया और फिर जेबीटी वगैरह करके, तो उससे सेम आपकी तरह क्वेश्चन पूछे गए। उससे पूछा अच्छा आपका जो बैकग्राउंड है 12th का, आपका पीसीएम है, चलो आप हमें न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ तो नॉर्मली सभी को पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोला अच्छा बर्नौली थ्योरम बताओ। अच्छा अच्छा अब बर्नौली थ्योरम भाई वही बता सकता है जिसने अच्छे से पढ़ा हो। अब जैसे आपने है बोलता 10 साल हो गए, तो जिसको 10 साल साइंस छोड़े हुए हो गया होगा उसको बर्नौली थ्योरम कहाँ से पता होगी। तो उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी और कैंडिडेट के सामने आ जाए तो उनको मन साफ साफ कर देना, अच्छा देखो वहाँ तक तो था लेकिन इतना डीप नॉलेज प्रेजेंटली मेरे को नहीं है, क्योंकि 4 साल 5 साल मुझे छोड़े होगा, हाँ बेसिक चीज़ें हैं साइंस की वो मुझे पता है। एक दूसरे टीचर का एक और एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग खड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर शेयर हो जाए कैंडिडेट के साथ ज़्यादा अच्छा है। एक टीचर से मैंने और बात की, वो बोल रहा था कि मेरे साथ दो चीज़ें हुई। बोला जिस रूम में मेरा इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे एक मैप टंगा हुआ था, इंडिया का मैप था। तो बोला मुझे उस मैप को देखे बोला ये आपको टीचिंग एड में यूज़ करना है, और यू आर इन क्लास सेकंड, कैसे यूज़ करोगे। अच्छा तो अगर नॉर्मल कैंडिडेट हिसाब से कोई भी आदमी अगर देखेगा क्लास सेकंड के बच्चे को अगर आप मैप पढ़ाओगे तो एक मुश्किल काम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्या मैप पढ़ाओ क्या यूज़ करोगे। तो वहाँ पे वो टीचर बोलता है कि मैंने ऐसे बोला कि सर देखो ऐसे कर सकता हूँ मैं, ये जो मैप है ना इस मैप को मैं बोर्ड पे लगाऊंगा और फिर इस मैप की सहायता से बच्चों को मैं काउंटिंग सिखा दूंगा। बोला कैसे भाई। बोला पेंसिल लेके और सभी स्टेट है ना नंबर डाल दूंगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 काउंटिंग डालेगी, तो जितने स्टेट ने काउंटिंग डाल दी तो वहाँ से मैं क्वेश्चनों को बता सकता हूँ कि इंडिया में इतने स्टेट हैं। बोला ठीक, और बोला और क्या कर सकते हो। तो जैसे प्राइमरी में जिस बच्चे ने जो अपने यहाँ जैसे हरियाणा में JBT बोलते हैं और DED बोलते हैं, कहीं कहीं जगह किसी और नाम से बोलते हैं, तो वहाँ जब आपकी टीचिंग क्लासेस लगती हैं तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्राइमरी का मेन क्या होता है कि प्राइमरी में आप जो भी काम कर रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को टारगेट करके आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, प्राइमरी में ऐसा नहीं चलता। तो वो मैप को पूरी क्लास इन्वॉल्व करनी है उसमें। तो वहाँ पे हमारे हिसाब से अब जैसे मैं मेरा बताऊं, दिमाग जो बोल रहा है कि आप और क्या यूज उसका हो सकता था, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो सभी बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए कि एक एक बच्चे को बुलाओ और एक एक स्टेट में कलर भरवाना शुरू कर दो। जैसे आपने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर दिया, एक बच्चे को बुलाओ, हाँ बेटा आपका फेवरेट कलर कौन सा है। बच्चा बोलेगा सर ग्रीन। बोला ठीक है ग्रीन कलर लेके आओ और इसमें ग्रीन कलर भर दो। दूसरे बच्चे को आपका फेवरेट कलर कौन सा है। बोला सर ऑरेंज। बोला ठीक है लेके आओ, तो ऑरेंज कलर तो उसमें होता नहीं, वो रेड वगैरह से कुछ होता है, तो वो रेड लेके आएगा, ठीक है रेड भर दो। तो ऐसे सभी बच्चों को बुलाओ, सभी में डिफरेंट डिफरेंट कलर भरवा दो,
और वहाँ से क्या होगा, बच्चे को कलर की पहचान हो गई, कलर की पहचान हो गई, और काउंटिंग आ गई। और दूसरी बात है, जो कलर भर रहा है ना बच्चा, तो एक आर्ट भी हो गई उसके साथ में। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी का जो इंटरव्यू होगा उसमें अगर आपके जब डेमो क्लास लगे तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है कि मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व कर रहे हैं टॉपिक के अंदर। एक टीचर से मैंने बात की, जैसे अलग अलग टॉपिक मिले फिर वहाँ से मुझे भी कुछ आइडिया जा रहे, वो बता रहा हूँ। एक टीचर से बोला कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने जो हमारा कैलेंडर होता है वो कैलेंडर रखा था वहाँ पे, बोले इस कैलेंडर को आप टीचिंग एड ग्रुप में कैसे यूज़ करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो कैलेंडर को टीचिंग एड में कैसे यूज़ करेंगे, तो कैलेंडर को टीचिंग एड में यूज़ कर सकते हो आप काउंटिंग सिखाने के लिए। नॉर्मल डे में 1 to 30 और 1 to 31, अगर वहाँ पे आपके साथ फरवरी वाला खुल के रखा है तो 28 या 29, वो डिपेंड करता है कि लीप वर्ष होगा तो एक फालतू हो जाएगा, तो कैलेंडर से आप काउंटिंग सिखा सकते हो। ऐसा भी हो जाता है कि कई बार जैसे इंटरव्यू लेने वाला है उसके टेबल पे अपने जो पेपर वेट रखे होते हैं कुछ स्फेरिकल इन शेप होते हैं, कुछ अपने जो होते हैं स्लैब टाइप में होते हैं, क्या बोलते हैं क्यूबॉडी टाइप में होते हैं, तो वहाँ से भी आपको वो भी ऐसा भी कर सकता है पेपर उठा के देगा, चलो टीचिंग एड यूज़ करो इसकी, पढ़ाओ इससे बच्चों को क्या पढ़ाओगे। अगर क्यूबॉइड टाइप में है तो आप उसे बोलेंगे इससे बोर्ड पे पहले पिक्चर ड्रॉ कर देंगे इसकी, देखो बेटा बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे है, ये इसको ऐसे बोलते हैं, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, मतलब जो भी जिस टाइप की भी शेप हो, मतलब आपको अपना क्रिएटिव माइंड लगाना है, क्रिएटिविटी दिखानी है। प्राइमरी में एक्चुअली होता ही क्रिएटिव, सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, जितना क्रिएटिव हो पाओगे उतने नंबर ले पाओगे। प्राइमरी के इंटरव्यू में मेन बात है ही क्रिएटिविटी कि आप कितने, कई बार तो ऐसा भी होता है किसी से बोला कि आप किसी बच्चे को एक स्पैरो ड्रॉ करना सिखाना चाहते हो, इजी से इजी वे में कैसे ड्रॉ करोगे, तो एक देखा होगा आपने कई बार काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं और उनको मिला के से स्पैरो बना देते हैं, तो ये क्रिएटिव माइंड एक प्राइमरी टीचर अगर कोई बनना चाहता है तो उसके अंदर मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब मेरा एक दोस्त था ना सर, अब उससे पूछा कि बेटा एक बोतल रखी थी, बोतल पे कुछ लिखा था कि इसका मतलब क्या होता है, उसने बता दिया कि भाई ये होता है फोटोसिंथेसिस, वो भी साइंस बैकग्राउंड का था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ लिया। अच्छा हम जर्नली अगर देखो संजय सर सोचें तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस का भंडार तो होता नहीं है, कैसे जन्म लेते होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट जवाब देता है ना उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं, उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। कई कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो मैं तो देखो एक ही बात बताता हूँ, तो ये बात क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दो आप लोग, कि वो इंटरव्यू वाला पूछेगा, किसी को नहीं पता वो क्या पूछेगा। अगर कोई आपको बता भी रहा है ना ये पूछेगा तो आपको भ्रमित कर रहा है वो, भ्रमित। और ऐसे ऐसी चीज़ें मत, आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं क्या जवाब दूंगा, खुद से सोचो, अगर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और मैं ये आंसर दूँ तो सामने वाला इसमें से क्या क्वेश्चन निकाल सकता है। और अभी संजय सर जैसे यूट्यूब पर भी बाढ़ आई हुई है, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि आप के वी में टीचर क्यों बनना चाहते हो, हम अपने इंटरव्यू में ऐसे, ये क्वेश्चंस कितना मैटर करते हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये जो क्वेश्चंस है ना फालतू के, जैसे भाई आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, या आप के वी ही क्यों चुनना चाहते हो, एनबीएस क्यों नहीं चुनना चाहते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे और बच्चे उन्हीं में उलझे भी हुए हैं। देखो सर ऐसा है कि ये तो एक संभावित क्वेश्चन है, दो चीज़ क्वेश्चन संभावित हैं। आप किसी भी संस्था में चले जाओ, अगर किसी भी संस्था के बारे में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो किसी संस्था को, तो उस संस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि संस्था वाला पूछेगा कि आप मेरे में इंटरेस्टेड क्यों हो, मिंटू से दैट हमारी संस्था में ही इंटरेस्टेड आप क्यों हो, यहाँ ही क्यों आना चाहते हो, और दूसरी बात क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हो, तो ये बात भी पूछते हैं कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हो। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने मेरा पीजीटी फिजिक्स का इंटरव्यू दिया था ना, तो मेरे से वहाँ पे जो इंटरव्यू पैनल था उसने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है सर आप एक बात बताइए कि जो टीचिंग सेक्टर में लोग आते हैं वो बाई च्वाइस आते हैं बाई फोर्स आते हैं। अच्छा, अब काफ़ी उलझाने वाला क्वेश्चन था और जेन्युइन क्वेश्चन था। बिल्कुल, मैंने इसका बिल्कुल जो रियल आंसर था ना वही दिया। जो क्वेश्चन पूछने वाला जो इंटरव्यू मेंबर था वो फीमेल थी, तो मैंने कहा मैम बाई फोर्स आते हैं, बाई च्वाइस नहीं आते, बाई फोर्स आते हैं। बोली तुम कमाल के हो, मैं सुबह से इंटरव्यू ले रही हूँ, सभी से मैंने क्वेश्चन पूछा है, एंड एवरी वन वॉज सेइंग दैट टीचिंग इज माई पैशन, आई लव चिल्ड्रंस, आई लव टीचिंग, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, एंड यू आर सेइंग दैट लोग बाई फोर्स आते हैं। तो मैं फिर से बोला मैम बाई फोर्स ही आते हैं, और स्ट्रेस दे के बोला इस बार मैंने बाई फोर्स ही आते हैं। तो बोले ठीक है प्रूव करके बताओ बाई फोर्स में आते हैं, कारण बताओ। तो मैं बोला मैम देखिए क्लास 12 के जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कोई मेडिकल में चला जाता है,
कोई इंजीनियरिंग में चला जाता है, सीए बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, और कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद जो अपने आप को ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब बचे मीडियोकर लोग। अब होता क्या है, मैंने बाई फोर्स क्यों बोला, उसके पीछे तीन रीज़न हैं। पहली बात क्या होता है कि बंदा ग्रेजुएट हो गया और किसी जॉब की सर्च में है वो, तो शौक या ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। टीचिंग उसका पैशन नहीं है, उसको कमाना है, और कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है, सबसे आसान तरीका है। दूसरी बात ये कि मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में हर टीचर को सेटिस्फैक्ट्री सैलरी नहीं मिलती है, वो जितना काम करता है उतना पैसा उसको नहीं मिलता है। तो ये रीज़न भी है कि आदमी जितना काम करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना पैसा उसको नहीं मिलता, इसलिए वो ये सोचता है कि मैं तो फंस गया, बाई फोर्स आ रहा हूँ। हाँ, कुछ टीचर प्राइवेट सेक्टर में ऐसे हैं जो कभी सरकारी जॉब को लेना ही पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो काम करते हैं, उतना उनको मेहनताना मिलता नहीं है, तो बाई फोर्स ही उनका होता है। तो मतलब एक दूसरी बात यह कि आजकल सोसाइटी एक ऐसी है कि प्राइवेट स्कूल का टीचर होगा तो उसको ज़्यादा ऐसे बोलते हैं, तेरे में इतना दम होता तो सरकारी लग जाता, ऐसे लोग बोल देते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि एक इकोनॉमिकल फैक्टर है इसके पीछे कि उसके पास पैसा पूरा नहीं है तो अपने आप को इनसिक्योर फील करता रहता है वो, इसलिए लोग यही सोचते हैं कि टीचिंग सेक्टर बाई फोर्स का ही सेक्टर है। तो ये बोल के बोलिए, अच्छा ये तो ठीक है, अपनी बताओ आप कैसे आए, आप कैसे आए, आप बाई फोर्स आए या बाई चॉइस आए। तो यहाँ थोड़ी डिप्लोमेसी थी, यहाँ थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं बोला मैं तो बाई चॉइस ही आया हूँ। तो पहले तो हंसी, बोले ये अजीब मजाक है, मतलब बाकी लोग बाई फोर्स आएंगे और आप बाई चॉइस आओगे, आप कुछ स्पेशल हो गया। मैं बोला मैम ऐसा तो नहीं है, बट मैं बाई चॉइस ही आया हूँ। आपने फिर बोला मैं बाई चॉइस, मैं तो बाई चॉइस ही आया हूँ। बोले प्रूव करके बताओ। तो यहाँ मैं कैंडिडेट को बार बार बोलता हूँ कि आप जो आंसर दो ना, उसके अगर काउंटर क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तभी, अगर नहीं है तो आंसर ही मत दो ऐसा। हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंट था इस बात के ऊपर, मेरे से जो उसका मेरे कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन ये हो सकता है कि मैं 10 साल से टीचिंग सेक्टर में था। बिल्कुल। और मैंने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट थे मैंने वहाँ पढ़ाया था, मैंने सीकर झुंझुनू कोटा वहाँ तक मैंने पढ़ाया था, तो मुझे तो टेंशन नहीं थी। और दूसरी बात मेरे दिमाग में ये भी था, इंटरव्यू क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो जितनी बेसिक सैलरी मुझे मिलेगी उसे डबल मैं ले रहा हूँ, पर जनरली ये हमारे दिमाग में संजय सर होना बहुत जरूरी, एक फोबिया बन जाता है ना इंटरव्यू का, तो आदमी का ऑटोमेटिक गलत। इसलिए हम बार बार लोगों को बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत, टेंशन में जाओगे तो जो आता है वो भी बोल जाओगे। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा, अच्छा आप बाई चॉइस आए, प्रूव करके बताओ। फिर से प्रूफ मांग लिया। तो मैंने कहा मैम देखिए, मेरे बाई चॉइस आने का प्रूफ आपके सामने रखा हुआ है, आप मेरा बायोडाटा पढ़िए और मेरा जितना एकेडमिक का रिकॉर्ड है ना वो देख लीजिए, मेरे पूरे एकेडमिक में कहीं पे कोई गैप नहीं है। गैप इन दी सेंस ऐसा नहीं है, जैसे मैंने 12th किया, तुरंत मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने बीएड किया, और बीएड के तुरंत बाद मैंने मेरा मास्टर डिग्री किया, और मास्टर डिग्री के तुरंत बाद मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ। और अगर उसका भी आपको प्रूफ चाहिए, मैंने एडवांस में बोल दिया, अगर उसका भी आपको प्रूफ चाहिए तो मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स भी हैं। अच्छा। बोली नहीं नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर वहाँ से उन्होंने जैसे मेरे वो एकेडमिक्स देखे, तो एकेडमिक्स देख के बोले, अब हुआ क्या था, जैसे मेरी जो बैचलर डिग्री थी वो MDU रोहतक से थी, और मास्टर डिग्री की थी मैंने चेन्नई से। तो देख देख के ऐसे बोली, आप जैसे मेरा बैचलर MDU से था, BEd भी मेरा MDU से था, बोली आपकी डिग्री अच्छी खासी चल रही थी MDU में, अच्छे खासे आप पढ़ रहे थे MDU में, अचानक से आपने चेन्नई का क्या दिमाग बना लिया, वहाँ स्विच क्यों कर गए आप। अब ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरे एकेडमिक से भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं बोला मैम इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब रीज़न ये है कि मैं बोला कि जैसे ही मेरा BEd क्लियर हुआ, तो मेरा BEd का रिजल्ट उस साल लगभग सितंबर के आसपास आया था, सितंबर अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आया था। तो उस दौरान हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी क्लोज हो चुकी थी, मतलब उनके एडमिशन क्लोज हो चुके थे, वो एडमिशन नहीं मिल रहा था वहाँ पर। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मैंने सर्च की, न्यूज़पेपर में मैंने इसका ऐड देखा था, तो इस यूनिवर्सिटी का तो एडमिशन ओपन था, तो मैं वहाँ चला गया। तो इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू मेंबर बोलता है, ऐसा तो नहीं होता, एडमिशन तो लेट तक चलता है। फिर मैंने कहा
हाँ बिल्कुल चलता है, बट आप ये देखिए कि मेरी मास्टर डिग्री पे ईयर कौन सा मेंशन है। मैं आज से 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। फिर वो देख के बोले हाँ आप सही बोल रहे हैं, बात सही है। तो वहाँ से मुझे लगना शुरू हो गया था कि हाँ ये इंटरव्यू मेरे पक्ष में जाए। फिर लास्ट में जो साइकोलॉजिस्ट था, मुझे उसका ये था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा, बाकी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नहीं पूछ रहे। और साइकोलॉजिस्ट फीमेल थी, कंटिन्यूस मुझे ऐसे देखे जा रही है, एक टक टक लगे लगा कंटिन्यूस, ऐसे पलक भी नहीं झपक रही है। लास्ट में उसने एक क्वेश्चन दागा मेरे सामने कि जो प्रेजेंट इरा है, इंग्लिश में क्वेश्चन था, मैं हिंदी उसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ, मतलब जो आधुनिक युग है इसमें टीचर के सामने क्या चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि काफ़ी कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि हम इंटरव्यू जब देंगे तो इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी थी सर, बगैर सोचे समझे मैं गया था, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी इंटरव्यू की, लेकिन मैंने वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनाई और बाकी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा, और ये पार्लियामेंट्री रूल भी है कि अगर आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है तो आपको कितनी ही अच्छी इंग्लिश आती हो हिंदी में ही जवाब दो, और अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया तो कोशिश कीजिए कि उसका जवाब इंग्लिश में ही दो। आपको बिल्कुल ये लग गया कि मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं पाऊँगा या बोल ही नहीं पाऊँगी, तो उस केस में आप बाइलिंगुअल हो जाओ, कुछ इंग्लिश के शब्द यूज़ कर दो, कुछ हिंदी के शब्द यूज़ कर दो। और वो भी नहीं आ रहा है तो फिर हिंदी में, फिर तो देखो हिंदी में आना ही, तो जवाब तो हमें देना ही है, कुछ आप, से ना से तो कुछ बेहतर है। आप जैसे बोल रहे हो ना कि मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन आप जैसे अपना अनुभव बता रहे हो कि 10 साल आप पढ़ाई रहे हो, तो वो तैयारी से ही कम थोड़ी है। हाँ, वो तैयारी से आप तो पहले से ही उससे भी आगे के लेवल के तो आप हो ही ना, तो आपके लिए वो क्या मायने रखती है। तो जिसको नहीं है वो तो तैयारी करना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए तो हम अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना कि भाई आपको क्या करना है। सबसे पहला तो मैं ये बात बोलना कि डरना नहीं है सर, बिल्कुल सही बात। वो एक डायलॉग है ना, बोला डर के आगे जीत, डर के आगे जीत। तो अगर डर से आगे निकल जाओगे तो इंटरव्यू भी पार कर जाओगे, और अगर डर गए तो तुम्हें जो आता है ना वो भी तुम खराब करके आ जाओगे, खराब करोगे, क्योंकि वहाँ तो पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं ना सर वो मेनली, क्योंकि उन लोगों को ये भी पता होता है कि अगर बंदा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके आया है तो सब्जेक्ट तो इसको आता ही होगा। वहाँ अगर सब्जेक्ट रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि आपने रट्टा लगा रखा है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं एग्जाम को रट्टा लगा के पास कर देते हैं और कंसेप्ट उनके आते नहीं। बिल्कुल। तो अगर इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नहीं मानता कि आपसे कोई लंबा खासा डेरिवेशन पूछेगा या कोई बड़ा सारा क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कंसेप्ट लगते हों या जिसमें आमतौर पर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हों। जैसे अब चलो मुझे तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, मैं 2005 से टीचिंग सेक्टर में हूँ और 2023 चल रही, मुझे 18 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। तो अब तो मैंने मेरे सब्जेक्ट के जो क्या है जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं फिजिक्स में, उनके निमोनिक्स भी मैंने बना के रखे हैं। अच्छा। जैसे एक निमोनिक्स आपको मैं बताता हूँ, वो अपना होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अच्छा। तो विजिबल लाइट का आप स्पेक्ट्रम बनाते हो तो उसको सभी को पता है VIBGYR, जैसे रेनबो वाले कलर्स याद करते हैं ना, VIBGYR, ये एक पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। स्पेक्ट्रम काफ़ी वाइड होता है ये, तो उसमें रेडियो वेव होती है, माइक्रो होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती हैं, विजिबल लाइट्स होती हैं, गामा रेज होती हैं, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स। हाँ, तो उसमें एक पूरा याद करना होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में लगभग 1-2 मार्क्स आता ही रहता है। तो उसका मैंने एक इंटरेस्टिंग निमोनिक्स बनाया, रमी RAMILUXG। और जब इस चीज़ को क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना तो बच्चे मज़ा भी लेते हैं इसका। अब देखो समझाने का तरीका क्या है, रमी, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, हाँ भाई कार्ड का गेम कौन कौन खेलता है, रमी का नाम जानते हो ना, कार्ड खेलते हो ना, हाँ सर खेलते हैं, तो रमी को भी जानते होगे तुम, हाँ तो वो है RAMI, ठीक है भाई, और लेक्स से तो तुम सभी नाते ही हो, लेक्स का तुम सबको पता है, तो वो हो गया LUX लक्स। और बचा जी, वो भाई ये दोनों अच्छी अच्छी चीज़ें थी तो रिस्पेक्ट देने के लिए हमने लगा दिया जी, तो ये हमारे पास एक निमोनिक्स बन गया, रमी लेक्स जी। निमोनिक्स से सर मुझे भी एक याद आ रहा है। हाँ, तो ये बच्चों को याद हो गया रमी लेक्स जी। अब रमी लेक्स जी में अलग अलग शब्दों को पकड़ो, रमी में RA अलग है, M अलग है, ILUXG। अब सभी को बच्चे को पता था, RA मतलब रेडियो वेव्स, M मतलब माइक्रोवेव्स, I मतलब इंफ्रारेड, L मतलब लाइट, लाइट मतलब विजिबल, G4 गामा रे, लास्ट में जी बोला, L4 लाइट, U4 अल्ट्रावायलेट, हो गया आराम से याद। तो ऐसी ट्रिक अगर आपके पास हैं उनको दिखाइए, उनको दिखाइए वहाँ पे। अब जैसे मैं आपको बताऊं संजय सर,
एक ना जब हम तैयारी वो करते थे डीएड में, तो हमारे एक सर थे विनोद सर, वो मैथ पढ़ाते थे, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते थे। तो बहुत सी बार हमको ना, जैसे भाई आप किलोमीटर को डेसी मीटर में कैसे चेंज करोगे या मिलीमीटर में कैसे चेंज करोगे, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहता है। तो उन्होंने हमको दिखाया एक बार, उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया KHDM DCM। तो इस ट्रिक से उन्होंने बताया कि बच्चों को आप कैसे याद करवाओगे कि आप किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में, जैसे K4 किलोमीटर। तो उन्होंने क्या ट्रिक दी, उन्होंने दी काला हीरा देख मैंने डायमंड कटर मंगाया। K4 काला यानी कि किलोमीटर, मैंने डायमंड कटर मंगाया। हाँ, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मैंने यानी कि मीटर हो गया, डायमंड कटर मंगाया यानी कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब नीचे से ऊपर जाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से नीचे आओ तो डिवाइड कर दो। इस तरह की न्यूमेरिक्स को आप यूज कर सकते हैं। अच्छी ट्रिक है ये तो। क्लास 5th के बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। कन्वर्जन तो सर ऐसी स्थिति होती है कई बार बच्चों में, जब क्लास 11-12 को फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, बच्चे कन्वर्जन में फंस जाते हैं। अब और ये अगर ये ट्रिक आप बताओगे बच्चों को तो ये तो बड़ी फंटास्टिक, तुरंत सीख जाते हैं सर इससे। तो तुरंत हम भी उस समय कन्फ्यूजन में रहते, तुरंत सीख गए और आज तक वो चल रही है सर। तो निमोनिक्स पास है तो उन ट्रिक्स को आप दिखा सकते हो वहाँ पर सर। मेन बात अब यही है कि इंटरव्यू में आपको कंस्ट्रक्टिव माइंड आपका कितना है चीज़ों के प्रति, जो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, जो सीखा है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो आप ना, ये भी है सर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, जैसे मैंने न्यूटन के थर्ड लॉ वाला बताया, किसी से नहीं पूछा। हो सकता है कि कोई TGT साइंस का इंटरव्यू देने वाला बंदा हो या PGT का, उससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे आप सभी को पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, बोलते हैं टू एवरी एक्शन देर इज ए रिएक्शन। पूरी स्टेटमेंट बोलोगे एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, है ना, ऐसे स्टेटमेंट है उसका पूरा। अब यहाँ चीज़ क्या निकलती है, जैसे बोलते हैं एक्शन हुआ, उसकी रिएक्शन हुई, तो ये एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्शन इधर करोगे रिएक्शन इधर आएगी, यानी अगर तुम इसको प्लस मानोगे तो रिएक्शन माइनस है। तो इंटरव्यू वाला बोलता है एक्शन प्लस है, रिएक्शन माइनस है, दोनों एक साथ हो रहे हैं तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। भाई अगर आप 4 न्यूटन इधर लगाओगे तो 4 न्यूटन आपको इधर मिलेगा। ये इधर आप, जैसे आप मुझे इधर धकेलना इधर ऐसे करके, आप मुझे धकेल रहे हो, मैं आपको धकेल रहा हूँ, और अगर बराबर बराबर धकेल रहे हैं तो हम तो अपनी जगह पे ही कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल, है ना। अगर मैं आपको धकेल पाऊंगा तब जब मैं आपसे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, आप मुझे धकेल पाओगे जब आप मेरे पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोला अगर एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर हैं तो फिर मोशन होता कैसे है, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, बिल्कुल सही बात। और नेट फोर्स जीरो होते इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। फोर्स जीरो होने का मतलब इक्विलिब्रियम है, वो जिस पोजिशन में वहीं रहेगा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। बोला क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया, गड़बड़ क्या है। अच्छा, तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आप क्योंकि सभी आंसर बता देंगे तो एक हलवा बन जाएगा ना, निगल लोगे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसका आंसर ढूंढ के या तो वो हमें कमेंट करें, हम वहाँ पर ट्राई करेंगे आंसर देने की, और या फिर ढूंढो, पूछो भी मत किसी से, आप बुक्स खंगालो तभी कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, तब कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सी बार पका पकाए मिल जाता है तो सर वो भी हानिकारक रहता है। पका पकाए मिलने से लोगों का दिमाग आगे बढ़ता ही नहीं, उसको रट्टा बोलते हैं पका पकाए मिलने को। तो बच्चे अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस की आप केवी में टीचर क्यों, ये रिसर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि हमें आंसर मिले। अरे जो आपका बेसिक अंदर से जो फील करते हो आप उसमें लिखोगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या और बताएंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी का कॉपी पेस्ट अगर वो यूज़ करेंगे ना तो कॉपी पेस्ट में से जो क्वेश्चन आएंगे तो आंसर भी कॉपी पेस्ट वाले ही होंगे और उससे सामने वाला प्रभावित नहीं होगा सर। जो आपके अंदर फील कर रहे वो बाहर आएगा तो वो प्रभावित होगा सर। इसलिए लोग ये भी पूछते हैं कि जब बायोडाटा में जो लिखता है ना योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम क्या लिखें हमें बता दो। मत पूछो किसी से, आप खुद सोचो कि मैं क्यों सुटेबल हूँ। बिल्कुल हाँ, हमने कुछ हिंट दिए हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, मैंने वहाँ पर कैंडिडेट को कुछ हिंट्स दिए थे कि भाई आपकी पोस्ट के लिए सुटेबिलिटी क्या है। तो आप ये देख लो, PRT बनना चाहते हो, TGT बनना चाहते हो, PGT बनना, और उसके अकॉर्डिंग देखो जैसे PRT की डिमांड क्या है। जैसे हमने बताया दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, तो PRT वाला इसमें ये पॉइंट डाल सकता है कि मैं किसी भी चीज़ को बच्चे को आसान से आसान तरीके में कैसे समझा सकता हूँ, मैं पूरी क्लास को कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं बच्चों को बोर होने से कैसे बचा सकता हूँ, ऐसी चीज़ें सोचो वो डालो उसके अंदर। अगर PGT TGT है तो वो ये सोच सकता है कि जैसे बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स को सबसे ज़्यादा बोरिंग मानते हैं लोग, मुश्किल भी मानते हैं, बोरिंग इसलिए क्योंकि मुश्किल है और मुश्किल इसलिए क्योंकि रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और रट्टा फिजिक्स में लगता नहीं, वहाँ पे समझना पड़ता है। तो वहाँ पे आप ये देखो कि अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। जैसे मैंने निमोनिक्स बताए, आपके पास ऐसे ट्रिक्स हों कुछ, आप आजकल बच्चे गाने बहुत सुनते हैं,
आप उन गानों को अपने सब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर सकते हो। तो ऐसी क्रिएटिविटी टीचर के अंदर होनी चाहिए, वो स्टेबिलिटी डालो, अपनी स्किल्स डालो कि मैं किस प्रकार से क्लास को मैनेज कर सकता हूँ, क्लास में शरारती से शरारती बच्चा उसको पढ़ने के लिए मैं कैसे मजबूर कर सकता हूँ। ये स्किल्स होते हैं ना, वही तो लिखनी होती है वहाँ पे हमें, लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसी चीज़ें गूगल से ढूंढ के लिख दी और वहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं से पूछ रहा है, फिर वहाँ फंस जा रहे हो, इससे अच्छा तो जवाब ही ना दो ना, इससे अच्छा है कि वो लिखो ही मत। ये भी कॉमन क्वेश्चन रहता है संजय सर बहुत सी बार कि भाई आपकी क्लास में एक जो बच्चा है बिलो देन एवरेज है और एक बच्चा गोल्ड गिफ्टेड है, दोनों को आप होमवर्क देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? बहुत से बच्चे सबको सेम देंगे क्वेश्चन, सबको कि भाई मैं तो सबको भाई जो बच्चे की जिस हिसाब से आई क्यू है हमको उसको उसी लेवल का जो है, जैसे अब गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है सर, उसको अगर हम हाई फाई लेवल का होमवर्क नहीं देते या काम नहीं करवाते तो उसका इस दिमाग ऐसा तेज है हल्के वाले काम को तो तुरंत करके और कर जाएगा, उसका दिमाग कहाँ लगेगा? शैतानी में लगेगा। इसका मतलब हुआ कि उसको कमज़ोर बना दिया, उसको कमज़ोर बना दी, तो उसके हिसाब का आपको वर्क देना है उसको। जो नीचे वाला बच्चा बिलो देन एवरेज है उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम लेवल का काम देना ताकि वो कर सके उसको और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, उसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमको उस समय करते समय। चलो तो हमने बहुत लंबा डिस्कस कर लिया। हाँ सर, और अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो अनुभव रहे हैं या हमने जो बातें बताई हैं इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी अपेक्षा करते हैं वो किसी से पूछना बंद कर देंगे कि इंटरव्यू वाले क्वेश्चन क्या पूछते हैं। बस अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपने सब्जेक्ट कंसर्न को तैयार करें, अपना प्रेजेंटेशन दें, अपनी डेमो स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी पोएम को इम्प्रूव करें, बोलने के तरीकों को, एक्शंस को इम्प्रूव करें। बस यही यही है सर मेरी तो सलाह। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं बिल्कुल कि वो अपनी ड्रीम्स को पाने में सक्सेसफुल हो। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के लिए, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारे पीछे का नज़ारा इतना खूबसूरत है, देखो पता नहीं आपको वीडियो में दिखाई दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये हिमालय की वादियाँ हैं और दुनिया के सबसे नवीन पर्वत हैं। हिमालय की वादियों में रह रहे हैं, खुली हवा है, साफ पानी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत कम है सर, बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन मान के चलो आप। जब पूरा विश्व जो है भयभीत हुआ पड़ा है प्रदूषण से, यहाँ हमें पता ही नहीं चलता प्रदूषण की चीज़ है भी कि नहीं। कुछ नहीं है सर, यहाँ कहाँ प्रदूषण है। यहाँ अगर कोई शोर सुनाई देता है तो पक्षियों का शोर सुनाई देता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई शोर है नहीं। आवाज आ भी रही होगी सर, चिड़ियाओं की आवाज आ भी रही होगी। और पानी तो आपके सामने ये मिनरल वाटर वगैरह जो लोगों से विदेशों से मंगा के पीते हैं 4,000 वो पानी तो यहाँ पे ऐसे बह के नदी में गुजर जाता है, इतना साफ पानी है यहाँ पे। और हम ये इन चीजों का सबका भाई हम तो धन्यवाद देंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन का कि हमको ये चीजें प्रोवाइड कराई इन्होंने। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वजह से ही हम ये चीजें देख पाए हैं, वरना मैप में भी ढंग से नहीं देखा था हमने कि ऐसी चीजें होती होंगी। यहाँ आके देखा कि हाँ नेचर को अगर देखना है तो इस एरिया में आना ही है। रटना था सर, पहले रटते थे भाई हिमालय पर्वत होता है, नदियाँ होती हैं, ऐसे होता है, अब तो यहाँ सब कुछ फील कर रहे हैं हम, खाइयों को देखते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, ऐसा पर्वत होता है। चलो सभी को फिर से शुभकामनाएं देते हैं, और अगर सेलेक्ट हुए तो मोस्ट प्रोबेबली पहले उनको यही पोस्टिंग मिलने वाली मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिंदगी में एक बार तो उनको यहाँ आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा सर, और आके क्या पता मुलाकात हो भी जाए हम लोगों से, हो भी जाए। चलो सभी को शुभकामनाएं, नमस्कार।